हेलो नमस्कार दोस्तों, जिसके लिए हम लोग ये आज सेशन चला रहे हैं कि गुणनखंड कैसे किया जाए। जो सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट है वो था आपका किसी त्रिपद द्विघात, अर्थात द्विघातीय त्रिपद व्यंजक एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो, वेयर ए इक्वल टू नॉट जीरो के गुणनखंड कैसे किए जाए। उसके लिए लिख रखा मैंने मध्य पद को दो भागों में बांटकर। लेकिन ये काम होगा कैसे, कैसे इसको करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो के गुणनखंड कैसे किए जाए। एक जबरदस्त, बहुत ही जबरदस्त ट्रिक है जिसे आप लोग सीख लेंगे, जीवन में आपका ये क्वेश्चन कभी गलत नहीं होगा। तो आइए शुरू करते हैं, आखिर ये करेंगे कैसे। तो सबसे पहले आप जान लीजिए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो, या जीरो ना भी लिया हो, सी वेयर ए डज नॉट इक्वल जीरो, यानी वहां पर ए जीरो नहीं होना चाहिए, मतलब एक्स स्क्वायर का पद जीरो नहीं होना चाहिए। जहां पर ए बी सी कॉन्स्टेंट टर्म्स हैं, वास्तविक संख्याएं हैं, मतलब एक दो तीन चार हो सकते हैं, माइनस हो सकती हैं, फ्रैक्शन में हो सकती हैं, रूट्स में हो सकती हैं, उनके हम कैसे करेंगे। तो सबसे पहले आप लोगों को देखना होगा इसको एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, जिसमें तीन पद होंगे। सबसे पहले क्या देखेंगे, तीन पद होंगे, पद बराबर तीन, उसमें एक स्क्वायर का पद होगा, एक स्क्वायर का पद नहीं होगा लेक्चर का, और एक कांस्टेंट पद होगा। इस प्रकार से तीन पद होंगे, आप उसके गुणनखंड कैसे कर सकते हो। तो सबसे पहले गुणनखंड जो करने की विधि है वो हम लोग क्या करते हैं कि ए और सी, अर्थात आप यही देखिएगा बहुत इंपॉर्टेंट है कि ए और सी का मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं, यानी एक्स स्क्वायर का कोफिशियंट और कांस्टेंट पद का मल्टीप्लिकेशन करते हैं। यदि ये मल्टीप्लिकेशन, यानी सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक्स का कोफिशियंट और सी की गुणा करते हैं, तो जो गुणनफल आता है ये गुणनफल ए सी। अब ये दो प्रकार से आएगा, ए सी कैसे, या तो ये ए सी पॉजिटिव होगा या फिर ये नेगेटिव होगा, दो ही तरीके हैं। तो बस अब आपको यही गुरु मंत्र लेके जाना है कि अगर ए और सी पॉजिटिव आता है, अर्थात इन दोनों की गुणा हम करें, पॉजिटिव अगर आ गया, तुरंत आपके पास करना क्या है, जो मिडिल टर्म है जो बी है, वो इन दोनों के ऐसे दो गुणनखंड करिए जिनको जोड़ने से, अगर यहाँ प्लस लगा है तो दोनों पद प्लस प्लस या फिर माइनस माइनस में टूटेगा, मतलब अगर यहाँ प्लस है तो दोनों पद प्लस प्लस में टूटेंगे, और अगर माइनस है तो दोनों पद माइनस माइनस में टूटेंगे। अगली बात, अगर ए और सी की गुणा किसी तरीके से माइनस में आ जाती है तो निश्चित तौर पे मिडिल टर्म कुछ भी करें आप प्लस और माइनस में अवश्य टूटेगा, और उससे बी टर्म उल्ट होगा, मतलब ये जो बात हो रही थी ये बी की हो रही थी। हालांकि ये चीज आपके समझ में उतना शायद ना आए, जब मैं उदाहरण लूंगा तब आपके समझ में आएगा कि हाँ ये क्वेश्चन कैसे है और किस प्रकार से हम इन्हें कर सकते हैं। तो देखिए सबसे पहले मैं आपको एक गुणनखंड लेता हूँ जिसके जरिए इन दोनों नियमों को समझाने का प्रयास करता हूँ। सबसे पहले हमने एक क्वेश्चन लिया एक्स स्क्वायर प्लस फाइव एक्स प्लस सिक्स, तो इसको हम कैसे मिडिल टर्म में ब्रेक करेंगे आइए देखते हैं। सबसे पहला मैंने बताया था ए, यहाँ पर ए चूंकि एक्स स्क्वायर के साथ जो गुणनखंड है वो एक है, और सी हमारा पाँच है, यानी यहाँ पर ए बराबर एक है और बी बराबर पाँच है और सी बराबर छः है। तो सबसे पहले हम ए और सी की गुणा किया, तो ए और सी की गुणा आ गई वन इंटू छः बराबर छः। अब आपको क्या करना है, छः के ऐसे दो गुणनखंड करिए जिनका जोड़ पाँच होता हो। तो देखिए पाँच प्लस लगा है तो हम क्या कर दें, इसको दो
इंटू तीन कर दें, जैसे ही इनकी गुणा मैंने छः की दो और तीन किया, उसमें दो और तीन को जोड़ता हूँ तो देखिए पाँच आता है। तो इसका मतलब इस क्वेश्चन को करने के लिए हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस फाइव एक्स प्लस सिक्स। तो देखिए मैंने क्या बताया आपको, इन दोनों गुणा किया छ आया, छ के मैंने फैक्टर किए दो और तीन, दो तीन आई छः, दो और तीन मिलकर के होता है पाँच, क्योंकि बीच में कितना है पाँच है। तो आप क्या लिखेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस, अब वही जो इसके गुणनखंड हैं दो एक्स और तीन एक्स, तीन तो पाँच हुआ वह लिखा हुआ है, प्लस सिक्स। फर्स्ट ऑफ ऑल आप ये करेंगे, उसके बाद देखिए इन दोनों में पुनः काम करेंगे जो चार टर्म बन जाएगा, तो ये आ जाएगा एक्स इंटू एक्स प्लस टू, चूँकि कॉमन पहले मैं आपको बता चुका हूँ थ्री एक्स प्लस तीन दूनी छः, पुनः कॉमन होगा एक्स प्लस टू एंड एक्स प्लस थ्री। संभवतः ये आपके समझ में आ रहा होगा, नहीं आ रहा है तो मैं नेक्स्ट और आपको लेता हूँ क्वेश्चन, जिससे जब तक ये आपके समझ में नहीं आता आप इसे छोड़िएगा नहीं। अगला हमारा जो सवाल है वो है, आप देख लें, फाइव एक्स स्क्वायर माइनस थर्टी टू एक्स प्लस बारह। तो देखिए सिंपल आपको मैंने लिखा था ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ए और सी की मल्टीप्लिकेशन करना है, तो 12 और 5 की गुणा किया, 12 पंजे हो गया 60, कितना आया, पहले मैं पॉजिटिव वाले बता रहा हूँ, 12 पंजे 60। अब 60 के कोई ऐसे दो गुणनखंड करिए जिसका जोड़ आपका 32 आता हो। तो देखिए 32 लाना तो बड़े बनाना होगा, तो मैं इसे 30 इंटू दो करेंगे, 30 दूना 60 होता है, माइनस के 30 माइनस के दो करेंगे 30 तो 32 होता है। तो हमें क्या करना है, ऐसे इनको तोड़ना है जिसमें मिडिल टर्म आ जाए। तो चूंकि पॉजिटिव था तो दोनों देखिए माइनस माइनस है, यहाँ पर चूंकि पॉजिटिव था ये देखिए तो दोनों प्लस प्लस में थे, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा फाइव एक्स स्क्वायर, जैसा आपको बताया बिल्कुल ऐसे करिए, 30 एक्स माइनस दो एक्स प्लस 12। आप दो एक्स इधर भी लिख सकते हैं, उसका कोई मतलब नहीं है। अब देखिए यहाँ क्या कॉमन मिल रहा है, दोनों में देखिए पाँच भी कॉमन है और एक्स भी कॉमन है, तो पाँच चला गया एक एक्स, एक एक्स बनता, पाँच छक्का 30 छः बचा, माइनस देखिए दो कॉमन करेंगे तो यहाँ एक्स, जब भी माइनस चिन्ह कॉमन करते हैं तो अंदर के सभी चिन्ह बदल जाते हैं, दो छक्का 12, इसका मतलब एक्स माइनस छः और फाइव एक्स माइनस टू, मतलब ये काम दोनों करने के बाद जो बचता हूँ लिख लेता हूँ। मुझे पता चल गया है कि शायद आप लोगों के ये क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे, लेकिन फिर भी एक क्वेश्चन मैं आपको ऐसा कराता हूँ जो अक्सर परीक्षा में बच्चों को घुमाता रहता है। वो प्रश्न मैंने नोट किया है कि रूट थ्री एक्स स्क्वायर प्लस अलेवन एक्स प्लस सिक्स रूट थ्री। तो आइए अब देखिए मैंने क्या बताया, इन दोनों को मल्टीप्लीकेशन आप करेंगे तो सिक्स रूट थ्री इंटू रूट थ्री, तो हो गया छः की आई 18, क्यों ये छः हुआ रूट थ्री थ्री हुआ छः की 18, बहुत आसान था। अब देखिए 18 के ऐसे दो गुणनखंड जिनका जोड़ 11 हो, अब आपको ढूंढना है 11 कैसे कर सकते हैं, तीन छाक 18, एक मिनट रूट रही है ये, हाँ छतियाँ 18, अब आपको 9 दूनी 18, 9 और 2 कितना होता है देखिए 9 इंटू 2 18 होता है और 9 और 2 मिलकर के 11 होता है, तो क्या करेंगे रूट थ्री एक्स स्क्वायर प्लस नाइन एक्स प्लस टू एक्स प्लस सिक्स रूट थ्री। अब आप देखिए इसमें दोनों में कॉमन करेंगे, कॉमन के लिए मैं पहले आपको बता चुका हूँ, क्वेश्चन और भी करा चुका हूँ, रूट थ्री कॉमन करेंगे और एक एक्स कॉमन करेंगे तो बचेगा क्या, यहाँ पर ये एक्स बचेगा। अब आप सोच रहे होंगे नाइन में रूट थ्री कैसे है,
आप 9 को कैसे लिख सकते हो, चलिए मैं बताता हूं। 9 को मैं 3 × 3 लिख सकता हूं और 3 को √3 × √3, √3 मिलकर 3 होता है, तो मैं 1√3 से काउंट कर लूंगा, 1√3 चला कर बचेगा 3√3 प्लस, यहां से देखिए 2 काउंट कर लो तो क्या बचेगा आपका x प्लस 2 यानी 6 3√3। तो ये आपको याद रखना है कि जो चीज इस ब्रैकेट में बचेगी वही दूसरे ब्रैकेट में बचेगी, तो x प्लस 3√3 × √3x + 2। अब आप समझ गए होंगे गुणनखंड कैसे किया जाए। अभी इसका दूसरा पहलू बताया है कि अगर e और c माइनस हो तो गुणनखंड कैसे करेंगे। तो अभी अभी मैंने आपको बताया था कि अगर आपके पास ax² + bx + c में ac अगर ये माइनस आ जाता है तो मिडिल टर्म जो b है वो टूटेगा, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। इसमें कोई ज्यादा झंझट नहीं है, लेकिन फिर भी मैं एक क्वेश्चन लेके आया हूं, x² + 5x - 14। अब देखिए a और c की गुणा करें 14 आ गया, माइनस का 14 कैसे, दो गुणनखंड करिए जिनको जोड़ने घटाने से प्लस का 5 बचे, तो 7 × 14 लाना है, प्लस के लाने हैं तो ये प्लस के हो गए, ये माइनस के हो गए, यानी 7 - 2, 7 × 14 हो। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा तो आप ऐसे इसको लिख सकते हैं, माइनस के 7, प्लस के 7 कर दीजिए माइनस के 2, 7 × 14, इसका मतलब 7 - 2 = 5। तो भी वही चीज जो टूटती है वो यहां लाके रख देते हैं, यानी x² - 7x + 2x - 14। अब आप देखिएगे यहां से x कॉमन मिल रहा है तो x - 7 + 2x - 7, ये दोनों गुणा कॉमन है, x - 7 and x + 2। इस प्रकार से आप किसी भी क्वेश्चन को बहुत बाखूबी कर सकते हैं। आइए मैं एक और उदाहरण देता हूं आपको समझाने के लिए। तो देखिए अगला हमारा क्वेश्चन है 12x² - 5x - 3। तो 12 × 36 क्या आ गया, ये 12 × 36 वो भी माइनस का, ए और सी की गुणा किया 12 × 36। अब 36 कैसे दो गुणनखंड करना है जिसमें आपको माइनस का 5 बचाना है, क्यों नहीं बचेगा। अब आप इसको लिख सकते हैं 9 + 36, क्यों 9 में से 5 जाता है 4 बचता है, इसको माइनस कर दीजिए। इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं इसे -9 + 4 कर दूं तो माइनस के 5 बचेंगे, मतलब कुछ नहीं करना, इन दोनों की गुणा करना है, फिर उन दोनों को ऐसे दो गुणनखंड तोड़ने हैं जिनको घटाने से -5 बचे, तो क्या बचेगा 12x² - 12 × 36, 36 के ऐसे दो गुणनखंड जिनको घटाने से बचे 5, तो हो जाएगा -9x + 4x - 3। अब आप देखिए क्या कॉमन मिलेगा, यहाँ 3 है तो 3 तो जरूर कॉमन मिलेगा, 3 × 12 होता है और 1x, तो 3 × 12x - 3 बचेगा। यहाँ कुछ कॉमन नहीं होता, वहाँ एक कॉमन होगा, सबको याद रखना है 4x - 3। इस प्रकार से ये 4x - 3 और 3x + 1 बचे। अब मैं आप लोगों को कुछ देता हूँ होमवर्क करके, मेरे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा, मैं उसको बताऊंगा गुणनखंड सही है या नहीं। तो आप लोग तैयार हो जाइए, कुछ क्वेश्चनों को लिख करके मेरे को कमेंट्स कर सकते हैं, बता सकते हैं। तो हम पहला क्वेश्चन आपके लिए लिख के आपको दे रहा हूँ, x² - 15x + 56। दूसरा सवाल है हमारा x² - 5x + -6। इन दोनों के आप लोग करिए गुणनखंड। मैं मिलता हूँ आपको एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए
जय हिंद, जय भारत।